अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? माय सेल्फ मोहम्मद अबू बकर, आई एम हियर राजी एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एज अ सेल्स एंड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। हाउ इज योर एक्सपीरियंस व्हाइल वर्किंग विद राजी एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड? जी, तो बात करते हैं अपने एक्सपीरियंस की। राजी एडवाइजर्स में मेरा एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा है। 2 मंथ्स हो गए हैं मुझे यहाँ पे वर्किंग करते हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है ना राजी एडवाइजर्स को डिफरेंट वे के अंदर वर्क करते हुए देखा है। हम यहाँ पे ऐसे वर्क करते हैं, कोई हमारा अगर प्रोजेक्ट हमारे पास है, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर किसी तरह का कोई झूठ, यानी अगर हमारा हम अगर कोई प्रोजेक्ट सेल कर रहे हैं ना, तो हमारे डायरेक्टर्स हजरात ने, हमारे सीनियर्स ने हमें ये बताया है कि आपने कोई चीज़ झूठ बोल कर बेचनी नहीं है। ठीक है, आपने जो चीज़ आपके पास है आपने वही चीज़ एज इट इज़ आप बतानी है। और अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस जो है ना मेरा अराजी के अंदर इतना अच्छा रहा है कि मेरा अपना ऑफिस था, अपना ऑफिस छोड़ के मैं अराजी एडवाइजर्स के साथ अराजी एडवाइजर्स फैमिली का एक पार्ट बन गया हूँ। और इसको जो है ना मैं उससे बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करता हूँ, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि एक तो यहाँ पे ऑफिस के अंदर जो है ना कोई लेग पुलिंग वाला सिस्टम नहीं है। लाइक होता है ना कि ऑफिस के अंदर आप बैठे हैं, आपके जो साथ वाले कोलीग्स हैं या आपके जो डायरेक्टर्स हैं या सीनियर्स हैं, वो आपकी लेग पुलिंग करते हैं, नहीं ये क्या कर रहे हैं आप, ये कैसे कर रहे हैं, ये वैसे कर रहे हैं। वो ऐसा जो सिनेरियो है ना हमारे अराजी एडवाइजर्स में वो बिल्कुल नहीं है। हाउ डू यू अलाइन योर पर्सनल गोल्स विद अराजी एडवाइजर्स विजन? जी, जैसा कि आपका क्वेश्चन है कि आप पर्सनल गोल्स को अराजी के गोल्स के साथ कैसे इसको देखते हैं, तो इसके साथ मैं इसके अंदर ये चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो मेरा पर्सनल गोल है वो पहले मेरा पर्सनल गोल बिल्कुल नहीं था। जब मैं अराजी एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आया हूँ, देन मैंने अपना एक गोल बनाया है, जैसे अराजी एडवाइजर्स ने अपना गोल बनाया है मार्केट के अंदर। अराजी एडवाइजर्स जो है एक ऐसी कंपनी है वो किसी तरह की कोई फेक चीज़ जो है वो मार्केट के अंदर नहीं करती। लाइक बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो हमारे पास अलाइन के अंदर पड़े हुए हैं कि हमारे ऊपर जो है वो आप उसकी सेल परचेज करें, हमने जो है उसको मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएं, बट हम जो है उसको इंट्रोड्यूस इस वक्त तक नहीं करवाते जब तक हमारे NOCs क्लियर नहीं होते, हमारे जो गवर्नमेंट के जितने ऑफिशियल इदारे हैं उनके अंदर से वो कम्प्लीट नहीं होता, तब तक हम उसको जो है ना अपना ऑन दी बोर्ड अराजी एडवाइजर्स में नहीं लेकर आते। और अराजी एडवाइजर्स का गोल है कि हम अपनी कंपनी का एक अलग टावर बनाएं, तो इंशाल्लाह अराजी एडवाइजर्स कंपनी का गोल टावर बनाने का है, और मेरा गोल ये है कि अराजी एडवाइजर्स में वर्क रहकर मैं ऐसा वर्क करूं कि जो अराजी एडवाइजर्स को पूरी मार्केट के अंदर जो है वो डिफरेंट करें डिफरेंट कंपनी से। और मेरा जो जाती गोल है वो मेरे अराजी एडवाइजर्स में आकर इंशाल्लाह अचीव होंगे, और मैं 7 साल उनको अचीव कर रहा हूँ। How do you see Mr. CEO Hasan Idris as a leader? Different company में देखते हैं आप, CEO जब ऑफिस के अंदर एंटर होता है ना तो एक अजीब सा माहौल हो जाता है जी, सीधे हो जाओ, उधर चले जाओ, इधर चले जाओ, CEO साहब आ गए, CEO साहब आ गए। हमारे अराजी एडवाइजर्स में ऐसा सिस्टम नहीं है। हमारे CEO साहब जो हैं वो एक कोऑपरेटिव पर्सन है, ऑनेस्ट पर्सन है, जो कि हर टीम मेंबर, हर पर्सन के साथ, हर एफिलिएट के साथ, हर डायरेक्टर के साथ एज अ ब्रदराना डील करते हैं। ठीक है, और CEO साहब जो है हमारे, उन्होंने एक बड़ा कहते हैं कि ना विजन बनाया हुआ अपनी कंपनी को बनाने का, उन्होंने एक विजन किया था, वो एक जॉब होल्डर थे, तो उन्होंने एक विजन बनाया था कि जी जॉब के अंदर वो है हमारे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नया करना चाहता हूँ। देन उन्होंने यंगस्ट एज के अंदर हमारी राजी एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 2017 में स्टार्ट की थी। मैंने एज अ राजी एडवाइजर्स में जब मैंने आकर CEO साहब से मुलाकात की तो CEO साहब टोटल डिफरेंट थे। जैसे एक CEO होता है ना, वो CEO वाला उनका जो है वो सिनेरियो नहीं था। वो बहुत एक पोलाइट थे, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन वाले जो है ना पर्सन है, उनके पास हर तरह की इंफॉर्मेशन है। मैं कहता हूँ अगर आप 5 मिनट उनके साथ बैठ जाएँ, देन आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन उनके पास ही मिल जाएगी, और हर तरह के जो है ना वो वर्क कर रहे हैं, और देन इंशाल्लाह वो इसी तरह ही वर्क करते रहेंगे। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।